इंदिरा गांधी की इमरजेंसी भूल थी, लेकिन क्या आज इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से भी ज्यादा बड़ी इमरजेंसी? यह सवाल उठाया कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने बयानों से। राहुल गांधी ने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु के साथ एक वेबिनार में कहा कि आज आरएसएस देश के संस्थानों पर कब्जे कर रहा, बीजेपी को अगर सत्ता से हटा भी दे तो इन लोगों से छुटकारा नहीं पा सकते क्योंकि संस्थानों पर इनका कब्जा हो गया। इसी के साथ राहुल ने इमरजेंसी को एक बार फिर गलत कहा, लेकिन साथ ही यह भी बोल दिया कि तब और अब में एक मूलभूत अंतर है, कांग्रेस ने संस्थानों पर कब्जा नहीं किया था क्योंकि कांग्रेस ऐसा कर ही नहीं सकती। राहुल के बयान पर बीजेपी के नेताओं की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल आरएसएस को समझ ही नहीं सकते। इसीलिए दंगल में आज राहुल के आरोपों से उठे बवंडर पर बहस करेंगे। राहुल का मौजूदा परिस्थितियों पर यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब 5 राज्यों में चुनाव प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए पूछेंगे राहुल के बयान से क्या कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी। इमरजेंसी की भूल राहुल को कबूल? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताते मेहमान आज हमारे साथ कौन कौन है। जब 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बजा है, जब एक बार फिर लोकतंत्र का इम्तिहान होने जा रहा है, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मौजूदा वक्त की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने आरएसएस पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि आज आरएसएस देश के संस्थानों पर कब्जे कर रहा है, लेकिन आरएसएस पर राहुल ने जब हमला किया तो इमरजेंसी की भूल को स्वीकार किया है। हालांकि जब वो इमरजेंसी लगाने को गलत कह रहे थे तब भी वो दावा कर रहे थे कि उस वक्त भी संविधान की आत्मा पर प्रहार नहीं हुआ था। I think that was a mistake. Absolutely, there was a mistake. And my grandmother said as much. Very different though. Yeah. And there's a fundamental difference between what happened in the emergency and it was wrong and what is happening now. The Congress party at no point attempted to capture India's institutional framework. And frankly, the Congress party doesn't even have that capability. Our design doesn't allow us that. Even if we want to do it, we can't do it. Emergency पर गलती की राहुल की स्वीकारोक्ति या यूं कहें कि सफाई आपने सुनी, अब जरा राहुल का आरएसएस पर दिया गया बयान भी सुन लीजिए। Now one big mother institution called the RSS that is penetrating all Indian institutions. There's not a single one that is not under attack, and it's systematically done. And you can, the judiciary, the press, the bureaucracy, election commission, every single institution is systematically being filled by people who have a particular ideology and belong to a certain institution. राहुल इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के हवाले से कहा कि अगर बीजेपी को चुनावों में हरा भी दें तो भी व्यवस्था में आरएसएस के लोग ही काबिज हैं। The RSS is doing something fundamentally different. They are actually filling the institutions with their people. So look, even if we defeat the BJP in an election, we are not going to get rid of their people in the institutional structure. राहुल के इन बयानों के बाद बीजेपी ने कहा कि राहुल आरएसएस को समझ ही नहीं सकते। राहुल गांधी को आरएसएस समझने में बहुत समय लगेगा। आरएसएस देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है दुनिया की। लोगों में अच्छा परिवर्तन लाना और लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करना, यही संघ करता है। राहुल गांधी जी हो या कांग्रेस के लीडर, माफी मांगते मांगते थक जाएंगे, उनके गुनाहों की गिनती खत्म नहीं होगी। आरएसएस बीजेपी पर राहुल पहले भी हमलावर रहे हैं, लेकिन इस बार राहुल ने एक तरह से मौजूदा परिस्थितियों को इमरजेंसी से भी खराब कह दिया है। आज तक ब्यूरो।